वेलकम टू ऑटो शिफ्ट। फाइनली मारुति सुजुकी नेक्सा की ग्रैंड विटारा, जो कि अपना नेम प्लेट के साथ भारी फीचर्स और लोडेड टेक के साथ इंडियन मार्केट में वापसी कर रही है, उसको फाइनली अनवील कर दिया गया है। ब्रोशर भी उसका निकाल दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसके जो पर्टिकुलर बेस वेरियंट है उसमें आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएगी, एक्सटेरियर में, इंटीरियर में, परफॉर्मेंस कैसी मिल जाएगी, इन्फोटेनमेंट आपको कैसे मिल जाएगा और स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरियंट्स के साथ ही। आपको चार वेरियंट्स मिल जाएंगे स्मार्ट हाइब्रिड के साथ, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे। स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आपको सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा देखने को मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ जीटा प्लस और अल्फा प्लस वेरिएंट देखने को मिलेगा। स्मार्ट हाइब्रिड में आपको सेम 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, जो आपको बलिनो में, एक्सएल 6 में और न्यू ब्रेजा में भी देखने को मिला है। बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको सेम इंजन मिलेगा जो कि आपको हाई राइडर टोयोटा में देखने को मिला है, जो कि 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर जिसमें मोटर भी लगाई गई है। तो कंबाइन आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। अब आ जाते हैं कि एक्सटीरियर में आपको बेस वेरिएंट में, सिग्मा वेरिएंट में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको रूफ एंड स्पॉइलर मिल जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आगे पीछे दोनों तरफ स्किड प्लेट देखने को मिल सकती है। उसी के अलावा आपको बाय हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे, जो एलईडी हेडलैम्प्स है वो आपको जीटा और अल्फा की ऊपर जितने भी वेरिएंट्स है उसमें देखने को मिलेगी। आपको एलईडी पोजीशन लैंप मिल जाएगा, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट देखने को मिल जाएगी, एलईडी टेल स्टॉप हाई माउंट लैंप मिल जाएगा, ओआरवीएम विद टर्न इंडिकेटर, शार्फिन एंटीना, और ये चीजें आपको जो मिलेगी वो मिलेगी बेस वेरियंट में। एक्सटीरियर में, अब मैं इंटीरियर की अगर बात करूं तो इंटीरियर में आपको डुअल टोन फिनिश मिल जाएगा, जिसमें हल्का फुल्का सिल्वर एक्सेंट आपको देखने को मिलेगा। 4.2 इंच का आपको टीएफटी कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, क्रोम इनसाइड डोर हैंडल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, स्टॉप मैप लैंप आपको मिल जाएगा रूफ के ऊपर आगे की तरफ, और कंफर्ट और कन्वीनियंस में अगर आ जाए नीचे की तरफ तो आपको फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। उसी के अलावा एडजस्टेबल टिल्ट और टेलीस्कोपिक आपको स्टीयरिंग व्हील जो है वो बेस वेरिएंट से ही देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी चीज है। अब आ जाता हूँ मैं फीचर्स की तरफ। तो फीचर्स में आपको ऑडियो कमांड का फीचर मिल जाएगा, जिसमें आप ब्लूटूथ, क्रूज कंट्रोल, ये भी सारी चीजें आपको स्टीयरिंग माउंटेड पे देखने को मिल जाएगी। कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाएगा। ऑटो एसी, रियर एसी वेंट, ड्राइवर सीट हेड एडजस्टमेंट, 60-40 फोल्डिंग रियर सीट्स, रिक्लाइनिंग रियर सीट्स, पावर विंडो आपको मिल जाएगी चारों, जिसमें ड्राइवर साइड जो होगा वो ऑटो अप डाउन होगा, बाकी नॉर्मल पावर विंडो जो आपको मिलते हैं वो मिलती है। इलेक्ट्रिक आउटसाइड मिरर्स मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक फोल्ड के साथ। वैनिटी मिरर आपको देखने को मिलेगा, वो सिर्फ आपको पैसेंजर की तरफ मिलेगा, ड्राइवर की तरफ नहीं मिलेगा। एक्सेसरीज सॉकेट मिल जाएगा, उसके अलावा आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स मिल जाएंगे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगा कप होल्डर के साथ, उसी के साथ फ्रंट रियर डोर बॉटल होल्डर मिल जाएगा, जिसमें आप 1 लीटर तक की जो भी बॉटल है वो उसे आराम से रख सकते हैं। इन्फोटेनमेंट की बात करूं तो इन्फोटेनमेंट आपको इसमें बेस वेरिएंट में सिग्मा में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इससे ऊपर भी जाते हैं डेल्टा में, तो डेल्टा में भी आपको स्मार्ट प्ले प्रो ही देखने को मिलेगा। उससे ऊपर अगर आप जीटा में जाते हैं तो जीटा में जाके आपको यहाँ पे स्मार्ट प्रो प्लस आपको देखने को मिलेगा, साउंड सिस्टम आपको देखने को मिलेगा और ट्विटर्स दो आपको देखने को मिलेंगे अगर आप जीटा की तरफ जाते हैं। तो डेल्टा तक भी आपको इन्फोटेनमेंट देखने को नहीं मिलेगा। सेफ्टी की बात करूं तो स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाएंगे, दो फ्रंट एयरबैग्स मिल जाएंगे, एबीएस ईबीडी, सीट बेल्ट रिमाइंडर, आईसोफिक्स चाइल्ड माउंटिंग, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन कॉम्प्लियंस, फुल फ्रंटल इंपैक्ट कॉम्प्लियंस, फ्रंटल ऑफसेट कॉम्प्लियंस और साइड इंपैक्ट कॉम्प्लियंस आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के अलावा सुजुकी की टेक बॉडी जो कि अब एडवांस थोड़ा सा उसमें जो स्टैंडर्ड स्टील है वो बढ़ा दी गई है, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल बात करूं तो ठीक ठाक आपको बेस वेरिएंट इसमें मिल जाता है। हालांकि बहुत सारी जो डिसेंट फीचर्स होने चाहिए जो कि बेस वेरिएंट से ही मिलने चाहिए वो इसमें लैक करती है, बट जो है अब यही है आपके लिए। कलर्स की मैं अगर बात करूं तो कलर्स में आपको जो है वो नेक्सा ब्लू, आर्टिक व्हाइट, स्प्लेंडेड सिल्वर और ग्रे कलर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा डुअल टोन कलर अगर मैं बात करूं तो डुअल टोन कलर आपको जीटा प्लस, अल्फा, अल्फा प्लस में देखने को मिलेगा। उसी के अलावा एक रेड कलर है और एक चेस्टनट ब्राउन कलर है, जो कि आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा, वो भी आपको डेल्टा से ही ऊपर की तरफ जितने भी वेरिएंट्स है उसमें देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो आपको 4-5 ही कलर ऑप्शन मिल जाएंगे बेस वेरिएंट में, और उसके ऊपर वाले वेरिएंट में भी आपको सेम 4-5 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि अगर आप जीटा या अल्फा से ऊपर जाएंगे तब आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आ जाता हूँ मैं इसके एक्सपेक्टेड प्राइस पे। अब इतने सारे फीचर्स तो नहीं है, तो एक्सपेक्टेड प्राइस आप कर सकते हैं कि 9 से 9.5 लाख के अराउंड आपको बेस वेरिएंट जो सिग्मा है वो भी देखने को
मिल सकता है, उसी पे 4-5 हज़ार ऊपर नीचे जो हाई राइडर है उसका बेस वेरियंट भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों एक तरह से सेम ही चीज है, सेम आपको इंजन ऑप्शन है, सेम आपको फीचर्स भी है, क्योंकि उसमें भी आपको इंफोटेनमेंट नहीं मिलता, इसमें भी इंफोटेनमेंट नहीं मिलता, और बेसिक जितने भी सेफ्टी फीचर्स है उसमें भी यही सारी चीजें थी, इसमें भी आपको यही सारी चीजें देखने को मिली है। तो ये था आज की इस वीडियो में पूरा बेस वेरिएंट ऑफ मारुति नेक्सा ग्रैंड विटारा। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप हाई राइडर और ग्रैंड विटारा में से किसको चूज़ करते हैं, वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।